एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू की सूखी सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू, दो लंबे कटे हुए प्याज, चार पांच हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन जीरा का पेस्ट। यहाँ आलू मैंने पहले से उबाल के लिए है। अब हम गैस पे बर्तन रखेंगे, उसमें अब तेल डालें। तेल को गरम होने दें। अब हम डालेंगे एक चम्मच राई। राई चटकने के बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को भूनिए। थोड़ी देर भूनने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। थोड़ी देर भूनने के बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। प्याज को हमें लगातार भूनना है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज भूनना है। अब हम डालेंगे एक चम्मच लहसुन जीरा का पेस्ट। अब हम डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक। मैंने यहाँ एक चम्मच नमक लिया है। थोड़ी देर भूनिए। एक चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और भूनते रहिए। अब हम डालेंगे क्रश किए हुए आलू। आलू को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कीजिए। थोड़ी देर कुक होने दें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। थोड़ी देर कुक होने दें। हमारी सूखी सब्जी तैयार है। अब हम डालेंगे हरा धनिया और गैस को बंद कर देंगे। अब हम प्लेटिंग करेंगे। इसे समोसे की स्टफिंग और डोसे में मसाले की तरह यूज़ कर सकते हैं। रोटी या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।